हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी विल प्रैक्टिस फॉर द न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ मैंने देखिए दो न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करूंगी, एक आपको खुद सॉल्व करना होगा। देखिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। अ जिंक रॉड इज डिप्ड इन 0.5 mm सोल्यूशन ऑफ ZnSO4। एक जिंक रॉड है जो कि ZnSO4 के 0.1 mm सोल्यूशन में डिप्ड है। इस तरह से हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ZnSO4 का कोई सोल्यूशन है और ये है 0.1 mm। अब यहाँ पर जिंक की एक रॉड जो है वो इसमें डिप्ड है। द सॉल्ट इज 95% डिसोसिएटेड ऑफ द सोल्यूशन एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। अब देखिए सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जिंक जब यहाँ पर हम डिप्ड करेंगे जिंक सल्फेट में, तो यहाँ पर Zn+2 जब सोल्यूशन में जाएगा तो इट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड विल गो टू जिंक। तो यहां पर n इज इक्वल्स टू हो गया 2, सबसे पहली चीज। दूसरा, जब हम इसमें देखेंगे कि जिंक प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, 0.1 mm सोल्यूशन ऑफ ZnSO4 गिवन है। तो इसकी जो हम कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे वो निकालेंगे, क्योंकि 95% है तो 100 में से 95% और कितने मोलर सॉल्यूशन का, 0.1 मोलर सॉल्यूशन का। तो अगर हम इसको यहां पर देखेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 0.095। तो ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई Zn+2 की। अब देखिए, अब हम लगाते हैं इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन यहां पर लगेगी। E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 2 इन आर केस, लॉग 1/ जिंक कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक इज 0.095, ये हमारी इक्वेशन लगेगी। अब देखिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पर दिया हुआ है Zn+2, यहां पर हमें इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का दिया हुआ है। देखिए तो ये अगर हम देखें तो ये दिया हुआ है जिंक का, दैट इज 0.76 माइनस में है और वोल्ट। तो देखिए ये हम यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, ई नॉट की जगह पर हम जीरो माइनस में है 0.76 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 0, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10 लॉग। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाई 95, क्योंकि यहाँ ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 3 जीरोज आ जाएंगे। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस 0.76 माइनस 0.02955 लॉग 1000 या 10^3 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, 10^3 माइनस लॉग 95। अब देखिए 3 log 10 हो जाता है, ये आपको पता है, माइनस 0.76 माइनस 0.02955, अब ये हो जाएगा लॉग 3 log 10 और लॉग 10 इज इक्वल्स टू 1, तो हम यहाँ पर क्या वैल्यू रखेंगे, केवल 3 हो जाएगा ये माइनस। अब देखिए लॉग 95 की वैल्यू हम कैसे रखेंगे, मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है, ये बुक दिखाई दे रही है, तो देखिए ये 95, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है लॉग 95 की। यहाँ पे 2 digits हैं, तो 2 digits का मतलब होता है 1 point करके हम लिखना होता है हमें, 3 digits होती है तो 2 point करके लिखते हैं, अब 2 digits हैं तो 1 point करके। अब 95 को 0 में देखेंगे, ये log table है, देखिए log table में यहाँ पर हमारे पास है 95, ये 0 table है, 0 table में हम जब देखेंगे 95 के आगे 0 में 9777 9777 वैल्यू आ रही है, और इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख देती हूँ 9777, ये हो जाएगा। अब देखिए माइनस 0.76 माइनस 0.02955, अब अगर हम इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां पर आ जाता है 1.0223 माइनस 0.76 माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, आप करके देखिएगा, तो यू विल गेट 0.03020 8965, ये वैल्यू आती है। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास 0.079021, इतना वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा।
तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बताया कि लॉग कैसे देखते हैं, ये भी मैंने बताया। अब इसको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, यहाँ पर लॉग 10 रेज टू पावर 3 था तो हम इसे 3 लॉग 10 लिखते हैं। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है तो 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3 हो गया। लॉग 95 की वैल्यू आप कैसे देखेंगे, लॉग 95 ये 2 डिजिट्स हैं तो 1 पॉइंट पहले लगा देंगे, 95 को 0 में देखेंगे तो 9777 वैल्यू आती है, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे और इसको सिंपली कैलकुलेट करना है। ओके आप इस क्वेश्चन को, सेकेंड क्वेश्चन को नोट कर लें बच्चों। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ कॉपर वायर डिप्ड इन 0.1 एम CuSO4 सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज 0.34 वोल्ट। ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक इसी तरीके से सॉल्व होना है और इससे बहुत ज्यादा ईजी है। ये वाला थोड़ा टफ था इसलिए मैंने सॉल्व करके बताया, आप प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताइएगा कि आपका क्या आंसर आया।